बाड़मेर में बच्चों के कुपोषण को दूर करने एवं गर्भवती महिलाओं और माताओं में मृत्यु दर को रोकने एवं जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं से लोगों को जोड़ने में जुड़ी गैर सरकारी संस्था वर्ल्ड विजन इंडिया अग्रणीय भूमिका निभा रही है। कोरोना काल में बिगड़े हालतों के बीच वर्ल्ड विजन इंडिया एरिया कार्यक्रम के तहत जरूरतमंद परिवारों के लिए ड्राई राशन का वितरण किया जा रहा है। कोविड संक्रमित परिवार जिन्होंने कोरोना काल में अपना रोजगार खो दिया है, जिनके लिए 2 माह का राशन एवं खाद्य सुरक्षा से वंचित परिवारों को 1 माह का राशन वितरित किया जा रहा है। कोरोना काल में बिगड़े हालत के बीच जिले के स्वयं सेवी संस्थाएं भामाशाह जरूरतमंद परिवारों के सहायता में जुड़ी नजर आ रही है। इसी क्रम में जिले में बच्चों के कुपोषण को दूर करने में जुटी वर्ल्ड विजन इंडिया भी सामाजिक सरोकार की सेवाओं में अपना अहम किरदार निभा रही है। वर्ल्ड विजन इंडिया बाड़मेर जिले के 10 ग्राम पंचायत के 44 राजस्व गांवों में पिछले 10 सालों से कार्यरत है। लगातार कुपोषण को दूर करने के लिए कार्य कर रही है। वर्ल्ड विजन इंडिया ने कोविड संक्रमण परिवारों को खाद्य सामग्री की व्यवस्था एवं राशन कार्ड से वंचित परिवारों के लिए राशन उपलब्ध कराने का जिम्मा उठाया है, जिनके तहत विभिन्न गांवों से जिलों पहुंचे लोगों को राशन वितरित किए गए। वर्ल्ड विजन इंडिया के प्रबंधक महोदय विनीत बाकला जी ने बताया कि गांव में खाद्य सामग्री से वंचित परिवार, कोरोना संक्रमण परिवार, कुपोषित बच्चे के परिवार, बेरोजगार परिवारों जिन्होंने अपना रोजगार कोरोना काल के समय खो दिया है, सर्वे के बाद 2 माह का राशन वितरित किए जा रहे हैं। बेरोजगार परिवारों के लिए जीविका उपार्जन रोजगार की व्यवस्था भी वर्ल्ड विजन इंडिया द्वारा की जा रही है, जिसके तहत किसानों को 16 किलो बाजरा एवं 12 किलो मूंग दाल का वितरण किया गया। किशोर बालिकाओं के परिवारों को सिलाई मशीन की व्यवस्था की गई। वर्ल्ड विजन के इस मदद से ग्रामीणों में अति उत्साह देखा जा रहा है। ग्रामीण वर्ल्ड विजन के इस सामाजिक सरोकार के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम राधा है, गांव के सही है। मैं वर्ल्ड विजन तरफ से सामान लेकर आया।